तो अभी नया सा व्लॉग शुरू होगा मॉडिफिकेशन के ऊपर में। तो आज हमारे पास सामान आ चुका है, तो आपको हम दिखा देगा क्या सामान है और मैंने कहाँ से लिया है। तो चलिए, तो शिप्ड बाय दीनू है। ऊपर में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा उसका इंस्टाग्राम। तो मैं बता देता हूँ उसका स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक्स वगैरह रहते हैं, एकदम न्यू कंडीशन में रहते हैं, आप वहाँ से आप ले सकते हैं। उसका इंस्टाग्राम हैंडल में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं तो एग्जैक्टली हमारा सामान है कैसा और पैकिंग कैसा है। देख ही सकते हैं कुछ भी स्क्रैचेस नहीं आने के लिए आपको ऐसा पैकिंग करके मिलेगा। कुछ भी सामान आपका कहीं से टूट ना जाए, क्रैक ना हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर से करता है, केयर से पैकिंग करता है दीनू भाई जो। तो गाइस आप देख सकते हैं तो मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो ये गाइस एक्चुअली डोमिनार 400 का हेडलाइट है, पूरा हेडलाइट असेंबली है। तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं गाइस, इसको देख के नहीं लगता है कि ये सेकेंड हैंड है, स्क्रैचलेस है गाइस। तो गाइस आप गेस कर सकते हैं तो मॉडिफिकेशन में करने क्या जा रहा हूँ मैं, इसको अपने NS200 पे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो सीन कुछ ऐसा होगा कि मेरे को बाकी से ये कवर से कुछ मतलब नहीं है, मेरे को अंदर में जो LED है। तो आपको ये हेडलाइट को खोलने के लिए आपको ये हीट गन चाहिए होगा, और हीट गन करते ही आपको ये ग्लू को काटने के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं तो हमने हीट कर करके इस रेंज की मदद से गम आप देख सकते हैं कितना पावरफुल लगा हुआ है। ये गम के कारण से ये वाटरप्रूफ रहता है। तो आधे घंटे से ज़्यादा लगे तब जाके खुला। तो मैं तो बता देता हूँ डैमेज तो बहुत होने वाला है, तो विदाउट ऐसे डैमेज का तो ये खुल ही नहीं पाएगा। तो गाइस मोस्ट ऑफ द वीडियो में आप देखा होगा कि इसको तो खोल लेते हैं वो शीशा वाला को, इसका ऊपर का आउटर सेल को, लेकिन आपको इसको खोल देने के बाद इसको आप नहीं खोल पाते हैं ना। तो इसका पीछे में ही खोलने के लिए ये जो आपका लाइट को अप या डाउन करने के लिए होता है, तो आपको डाउन तरफ में इसको मोड़ते रहना है जब तक ये खुल ना जाए। तो गाइस फाइनली खुल गया। तो ये जो मेन वाला जो कपलर है वो ब्लैक वाला है और रेड वाला DRL का है। The next day हम खोल चुके हैं अपना स्टॉक NS200 का हेड, बहुत भारी है। हम डोमिनार का उसको खोला था तो ये हमको खोल लिया, इसको खोल के रखा, अभी इसको खोलना शुरू करते हैं। फाइनली गाइस हम खोल चुके हैं अपने हेडलाइट को, 2 घंटा से ज़्यादा लग गया खोलते खोलते। एंड
आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा, ये लाइन से, एग्जैक्ट ये लाइन से कट करके और यहाँ यहाँ तक इतना तक कट करना पड़ेगा, तब जाके डोमिनर का ऊपर घुस पाएगा इसमें। तो अभी डाल रहे तो यहाँ तक रहना इसमें, तो चलिए इसको कट करते हैं। तो गाइस फाइनली ये भी कट चुका है, जैसे कि देख सकते हैं इतना सा पार्ट चाहिए हमें स्टॉक हेड में लगाने के लिए। तो गाइस फाइनल लुक ऐसे रहेगा, तो थोड़ा सा ये गैपिंग रहेगा, तो इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप पुश करके ग्लू लगा के आप यहाँ पे हमें प्राइम सील लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा फिटिंग नाइस होगा। द नेक्स्ट डे तो रात भर इसको ही प्लेसमेंट को कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो कटिंग कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ से इतना तो कटना ही पड़ेगा, और मैंने ग्लू भी लेके आया, तो इसी से चिपकाएगा शीशा को। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो अभी गाइस हम करने क्या वाले हैं कि जितने भी हमने खोला था इसको, तो यहाँ का ग्लू सबसे पहले इसको साफ करेगा, देन थोड़ा सा यहाँ से बेंड हो गया प्लास्टिक जो, तो हीट गन से थोड़ा थोड़ा सबको वापस अपनी जगह लेके आएगा। देन उसके बाद एम सील लगाना शुरू करेगा। तो चलिए तो ये गाइस एम सील है, देख सकते हैं ये एम सील है, तो इसे हमें मिक्स करके इसके पूरे चारों ओर लेफ्ट साइड और पीछे साइड में डालना है। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। Ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Guys, final touch up हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा तोड़ दिया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा पैकिंग देना पड़ा। तो कोई ना, फिर भी को थोड़ा थोड़ा एम सील लेके आपको ये साइड साइड में थोड़ा सा वो करना है, फील करना है। फिर भी आपको 5 एम सील तो ज़रूर लगने वाला है। तो चलिए ऊपर के ग्लास को अभी डालते हैं, देख लीजिए लुक तो ज़बरदस्त आ रहा है। तो आपको ये वाला ही ग्लू यूज़ करना पड़ेगा, सिलिकॉन वाला। अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं, तो ग्लू वगैरह तो लगा लिया, सीलेंट वगैरह पता नहीं एग्जैक्टली काम कैसे करेगा अभी, फिर भी बांध के तो रख दिया, देखते हैं कैसे होता है कि नहीं होता है। कल तक अगर ये पूरे सेट हो जाता है तो पूरा फिट कर दूंगा और आपको वायरिंग दिखा देगा कैसे। The next day. तो आज तीसरा दिन, तो हमने सब कुछ सेटअप कर लिया, आप देख ही सकते हैं। तो फाइनल तो टचअप हो चुका है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं, बोर्ड लेट हो चुका है। चलो ये दो वायरिंग को छोड़ के, ये दो वायरिंग काम का नहीं है, तो इसमें से
ये वायरिंग भी ज़रूरत नहीं है, पर्पल विद ब्लैक स्ट्रिप। तो हमें क्या चाहिए, रेड रेड एंड ब्लैक एंड रेड वाला, तो ये दोनों को साथ में कनेक्शन करना पड़ेगा आपके स्टॉक वाला जो कपलर है इसके रेड एंड ब्लैक में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा दोनों वायर को, और येलो वाला इधर येलो कैसे चला जाएगा एंड ब्लैक विद येलो स्ट्रिप, इसको हम ओरिजिनल स्टॉक के ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप में हम ऐड करेंगे। तो चलिए गाइस, हम इसी के साथ में उसको भी दरुक फिट कर देंगे, क्योंकि मेरा तो डीपर काम नहीं कर रहा ना, तो अपर पे सब कुछ काम करेगा, तो इसलिए हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे फॉग लाइट को। ये ओरिजिनल लुई AGG का है, तो हम अभी इसे भी फिट करेंगे क्योंकि ये जर्नी पे बहुत काम आता है फॉगी एरिया में, तो इसको हम यहाँ पर माउंट करेंगे इसके क्लेम के साथ में। फॉग लैम्प को भी मैंने लगा लिया, तो हेड थोड़ा सा बचा है, जैसे जैसे थोड़ा सा एडजस्ट करके फिट कर देगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखा देगा, सिनेमैटिक ले लेगा। अभी अंधेरा भी है तो मैं फ़ोन से अभी फ्लैश लाइट मार रहा हूँ, तो पोजीशन कुछ ऐसा ही है, देख सकते हैं। अभी तो ऑफ है, तो DRL दिखाता हूँ। तो ये गाइस DRL है साइड पे DRL है, और ये पायलट लैम्प भी आप देख सकते हैं, तो ज़बरदस्त लुक आ रहा है। आपको इसका हेडलाइट का दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये अपर पे काम करेगा ये लाइट जो, और आप देखिएगा डीपर और अपर साथ में मिक्स होगा, इसका लाइट है बढ़िया होगा। सो फ्रिकिंग बाइक, बड़ा बाइक है। और डीपर पे तो दूसरा वाला लाइट काम करेगा, तो ये इसका ऑरेंज वाला जो कि सेट नहीं किया अभी तक, लाइट वाला तो सेट करना बाकी है, इतना ही था। तो ये वीडियो गाइस यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, तो मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड होप यू सीन इन माय नेक्स्ट वीडियो। राइट, टेक केयर, बाय बाय।